और ये लेफ्ट साइड में तो किसी ने लग रहा है ऐसा कोई वॉलपेपर लगा कर रख दिया है। और ये आप लोकेशन देखो, वाओ क्या ही गजब लग रहा है भाई एफिल टनल। सो गुड मॉर्निंग गाइस और वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ मुसाफिर कीड़ा। और फिलहाल मैं हूँ किलोंग में और मैं इनके अलावा फिलहाल आज की दूसरे लोकेशन के लिए वो है बीर बिलिंग, जो कि यहाँ से 225 किलोमीटर है। मौसम अभी फिलहाल तो ठीक लग रहा है, कब तक ठीक रहेगा पता नहीं, स्नोफॉल के चांसेस है मतलब इधर ख़राब होगा। तो फटाफट से जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, करीब 6 आवर्स के आसपास लगने वाला है। सो लेट्स गो, सो चलते हैं आज की राइड की करते हैं शुरुआत। लेट्स गो। यहाँ तो मौसम ठीक दिख रहा है लेकिन उस साइड पे बादल आए हुए हैं भाई, अगर स्नोफॉल हो गया दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मौसम वहाँ का ठीक नहीं लग रहा है मेरे को, जितनी जल्दी हो सके मेरे को अटल टनल क्रॉस करना पड़ेगा। एक बार अटल टनल क्रॉस कर लिया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो रूट है ये ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ है, सॉरी लास्ट वीडियो में कवर किया है। तो आपको अगर देखना है ये रूट देन आप पहले की वीडियो जाकर ज़रूर चेकआउट करें, आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। सो पहुंच गया अटल टनल और मौसम अभी तक उतना ख़राब तो नहीं हुआ है, होने की संभावना है पूरा लगभग कुछ टाइम में हो सकता है, कुछ टाइम में नहीं भी हो सकता है, वेदर कुछ बोल सकते नहीं है। और क्या ही खूबसूरत लग रहा है अटल टनल, ज़बरदस्त, क्या ही गजब लग रहा है भाई अटल टनल। ओहो हो, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़, पर्यटक बहुत ज़्यादा आ चुके हैं क्योंकि आज संडे है। बाय बाय चंद्रा ब्रिज, सी यू सून। सो अब मैं एंटर करता हूँ अटल टनल से और निकलते ही ये नार्निया वाली दुनिया ख़त्म हो जाएगी। बाय बाय। ओ भाई ये क्या सीन है इधर, यहाँ भी स्नोफॉल होने के चांसेस है लग रहा है। थैंक्स एंड विजिट अगेन, श्योर विल विजिट सून। सो अब बढ़ते हैं अपने लोकेशन की तरफ। सो आई हैव रीच्ड मनाली और यहाँ से मैंने अब मैप का लोकेशन लगा दिया क्योंकि ये जो रास्ता होने वाला है ये मैं पहले कभी भी नहीं गया हूँ, ये फर्स्ट टाइम होने वाला है। सो देखते हैं, बस वेदर ख़राब नहीं होना चाहिए, धूप थोड़ी निकल जाएगी तो ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी, वरना ठंड झेल के जाना पड़ेगा। एक्चुअली इतना ठंड झेल चुका हूँ भाई क्या बताऊँ, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कितना टेम्परेचर था जब मैं केलांग में था रात में, इट वॉज अराउंड -13 रात में, करीब 8:30-9 बजे की बात है, सुबह तक 13 ही था। तो आप समझ सकते हो किस लेवल का ठंड ऑलरेडी मैं झेला हूँ, तो अभी ये जो ठंड लग रही है वो उतनी तो नहीं लग रही है, लेकिन अगर ये भी अगर नहीं होती तो थोड़ा सा फ्री होके और राइड कर पाते क्योंकि हाथ वगैरह जो है ना वो थोड़ी जम जा रही है। वो और यहाँ पे एक हॉट एयर बैलून दिखता हुआ, क्या बात है, गजब। देख रहे हो कितनी ज़्यादा मेहनत हो रही है और आप घर पर बैठे इसे मत सोफे में बैठ के अपना स्नैक्स खाते हुए इंजॉय कर रहे होगे। सो बदले में बस एक सब्सक्राइब और एक वीडियो पे लाइक करते हुए ज़रूर जाए, इससे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियोस बनाने के लिए। और यहाँ पे दो दो हॉट एयर बैलून दिखते हुए फिर से, वाह गजब लग रहा है ये, उठा तब तो जो भी दिख रहा है बस तब तक नीचे। अरे भाई कितने लोग बैठ गए इसमें, ये उड़ा उड़ा उड़ा, वाह वाह वाह। अरे भैया तार तो काटो, तार से तो लटके रह गए वो। और अभी मैं चल रहा हूँ NH3 पे और ठीक मेरे राइट साइड में बहुत ही खूबसूरत सा व्यू, ये कौन सा लोकेशन है पता नहीं, मैप में भी शो नहीं हो रहा है। मंडी यहाँ से और थोड़े दूर है, आई थिंक मंडी से हमें लेना है राइट।
वैसे मेरा प्लान बीर बिल्डिंग का नहीं था, मेरा प्लान था सेथन वैली का, लेकिन सेथन वैली में दिक्कत ये हो गया कि स्नोफॉल अभी तक हुआ नहीं है। चांसेस है, बट अगर स्नोफॉल नहीं होता है आजकल में तो वहाँ जाना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ट्रैकिंग वगैरह तो मैं करने वाला नहीं हूँ। और बचे नियर बाय कोई ऐसे प्लेसेस है नहीं कि जहाँ पे जाके मैं कुछ अलग कुछ कुछ हटके कुछ एक्सप्लोर कर दूँ, ऐसा कुछ तो है नहीं वहाँ पे। सो अगर स्नो पड़ती तो थोड़ा सा मज़ा आता, बट वो तो रहने दो स्नो की बात ही नहीं करते हैं अभी। सो दूसरा ऑप्शन मुझे ये दिखा कि मैं बीरबिलिंग जा सकता हूँ, एक हटके एक अलग से लोकेशन जिसको एक्सप्लोर करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा एंड आप लोगों को देखने में उससे ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं उस रूट पे या फिर वैसे लोकेशंस पे कभी ट्रैवल नहीं किया हूँ। सो ये थोड़ा सा एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। सो देखते हैं क्या अलग कर पाते हैं आपके लिए। सो थोड़ा सा होल्ड लेता है, करीब 120 किलोमीटर्स ट्रैवल कर लिया और ये आप लोकेशन देखो। वाओ क्या ही साफ पानी लग रहा है, ये डीप ग्रीन। और ये रहा हैंगिंग ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज तो नहीं है ये, लग वैसे रहा है। सो अब पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पे जहाँ से रास्ते जो है अब अलग होने वाला है, लाइक डिफरेंट होने वाला है, जो रास्ते में मैं गया नहीं हूँ अभी तक कभी। यहाँ से मुझे लेना है राइट टुवर्ड्स मंडी। पीछे बस आ रहा है भाई, रुक जा, इसको इंडिकेटर दिखेगा नहीं दिखेगा? हाँ तो दिखेगा। सो अब मुझे जी रोड पे जाना है भाई। ओ हो। सो ब्यूटीफुल, क्या बात है। कहाँ जाना है? लेफ्ट जाना है मुझे। और अभी टाइम हो चुका है 4 o'clock, थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है। सो आप देख लो क्या ही खूबसूरत सा अभी कलर आ रहा है सन का, पूरा ऑरेंज आ रहा है ऑरेंज। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और थोड़े थोड़े व्यूज अच्छे दिखने शुरू हो जाएंगे। सो यहाँ से अगर लेफ्ट जाते हैं तो चले जाएंगे मंडी टाउन की तरफ, वो रहा खूबसूरत सा मंडी टाउन, बट मुझे जाना है स्ट्रेट। अच्छा भाई, इतना भीड़ इसीलिए था, ये स्कूल है, बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, छुट्टी हुआ है अभी, पेपर चेक हो रहा है। एक बच्चे को उसकी मम्मी बाल घीस के मार रही थी अभी पता नहीं कुछ गलत गलत दिख के आया होगा एग्ज़ाम में एक तो इतना छोटा रोड है, कौन सा स्कूल है ये? DAV CPS मंडी। जगह की कमी है बहुत यहाँ पे, बहुत ही कंजस्टेड वे में स्कूल बनाया गया है, मतलब एक साथ में बच्चे निकले मतलब रोड जाम। सो अब धीरे धीरे जो है चढ़ाई बढ़ती जा रही है, हाइट पे जल रहा है ये। ओहो, मेरे गर्दन में कुछ हुआ है, मेरे को लग रहा है बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, पहुँच के देखेंगे क्या हुआ है, अभी फिलहाल तो पहुँचना है मेरे को जल्दी, अंधेरा होने से पहले जैसे पहुँच जाए जिससे कि आपको रास्ते दिखा पाए कि कैसा कैसा व्यूज़ आने वाले हैं रास्ते में, अगर अंधेरा हो जाए तो फिर क्या ही दिखाएंगे फिर। यहाँ के रास्ते कुछ अलग ही लग रहे हैं, मतलब पहाड़ भी अलग ही लग रहा है, रोड भी अलग ही लग रहा है, लग रहा है जैसे कुछ अलग लोकेशन आ गया है। अब पता नहीं पहुँचने के बाद पता चलेगा कि ये वर्थ इट रहेगा कि नहीं, होप सो वर्थ इट रहे, क्योंकि आने से पहले अभी तक मैंने कोई भी कुछ रिसर्च वगैरह नहीं किया था, मैं बस देखा था कौन कौन से ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो जहाँ पे फिलहाल मैं जा रहा हूँ उसके बारे में कोई भी चीज़ मैं अभी तक रिसर्च वगैरह नहीं किया हूँ, बस रैंडमली मैं जा रहा हूँ। इसका भी अलग एक्सपीरियंस है या तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा जिससे कि मैं वापस फिर से आ जाऊँ, या फिर ख़राब एक्सपीरियंस रहेगा, बट वो अब पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल सनसेट के मजा लो। अब तो ये जंगल वाला रास्ता बन रहा है धीरे धीरे पेड़ बढ़ते जा रहे हैं, रोड छोटा होता जा रहा है और धूप ढलता हुआ। ओए
भाई साहब, जैसे जैसे सूरज ढल रहा है वैसे वैसे से कलर जो है डार्क होता जा रहा है। वाह 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 वा। और बिल्डिंग पैराग्लाइडिंग कुछ छोड़ गए, सनसेट पॉइंट के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। मन तो कर रहा है मैं रुक जाए यहाँ पे और एक टाइम लैप्स लगा दूँ, लेकिन उतना टाइम नहीं है मेरे पास। अगर मैं टाइम लैप्स लगाना बैठ गया तो यही बैठे बैठे अंधेरा हो जाएगा। वो व्यूज धीरे धीरे भयानक होते हुए, क्या बात है। ये लोकेशन ना पता नहीं क्यों मुझे अलग ही लग रहा है, मतलब अंदर से ना एक बहुत खुशी महसूस हो रहा है। ये 3-4 दिनों से जो भी लोकेशन पे जा रहे थे ना, बर्फ वाले पहाड़ वाले, वैसे पहाड़ तो यहाँ भी है, लेकिन ये जो आ रहा है ना भाई, ये ऑरेंज ऑरेंज, ये मतलब दिल को छू ले रहा है पूरा एकदम। अब ठंड जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी है क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ। तब से उतनी ठंड नहीं लग रही थी, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि ठंड है कि नहीं, ये नॉर्मल लग रहा था। अब धीरे ठंड बढ़ रही है क्योंकि सनसेट भी हो रहा है और ये कर्वी रोड्स तो भाई दिल जीत लिए मेरे। क्या ही मज़ा आ रहा है इस रोड पे ड्राइव करने का, अलग ही मज़ा आ रहा है, अलग अलग। और ये लेफ्ट साइड में तो किसी ने लग रहा है ऐसा कोई वॉलपेपर लगा कर रख दिया है सनसेट का। क्या है भाई ये जगह, क्या जगह है ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा एरिया खुला खुला सा हो गया है और भाई क्या लग रहा है ये, मैं थक गया हूँ ये बोल बोल के क्या लग रहा है क्या लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। पता नहीं कैमरा कितने अच्छे तरीके से आपको दिखा पा रहा है, बट खुले आंखों से जो लग रहा है ना, उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। मैं स्पेशली आपको रेकमेंड करूँगा कि ये वाले रोड पे आप अगर आ रहे हो देन 2 व्हीलर पे ज़रूर आए, 4 व्हीलर पे मत आओ। कुछ समझ नहीं आएगा क्या हुआ नहीं हुआ, सब ऊपर से पार हो जाएगा जैसे एग्जाम में पार होता था। 2 व्हीलर पे आओ, यू वोंट रिग्रेट। अगर रिग्रेट हो रहा है ना तो कनेक्ट करो मेरे को इंस्टाग्राम में और गाली दे दो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं गाली सुनने के लिए रेडी हूँ और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और 24 किलोमीटर रह गए हैं लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि रोड ख़त्म नहीं होना चाहिए, बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ओ हो, क्या है ये, मन कर रहा है कूद जाए यहाँ से। तो शाम लगभग होने वाली है और रह गए करीब 15 किलोमीटर्स, अभी भी 25 मिनट स्लो हो रहा है, तब तक तो मे भी अंधेरा हो ही जाएगा। सो पहले फटाफट से पहुंचते हैं अपने लोकेशन पे, उसके बाद फिर बात करते हैं। सो ये वो प्रॉपर्टी जहाँ पे आज फ़िलहाल मैं रुका हुआ हूँ और कल का दिन भी, ये रही मेरी बाइक और ये रहा प्रॉपर्टी, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से एंट्री और ये पूरा एरिया इनका ही है, एंड यहाँ से है इसका एंट्री और यहाँ पे इनका एक कुत्ता भी है जो वक्त रहता है, कुछ करने वाला तो है नहीं है ऐसा। और यहाँ पे अगर आप बैठना चाहते हो बैठ सकते हो एंड इंजॉय कर सकते हो। सो यहाँ से है एंट्री, ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है, चल भाई तू चल। सो ये है कॉमन एरिया जहाँ पे फ्री टाइम में बैठ सकते हैं एंड काम वगैरह कर सकते हैं, एंड यहाँ से जो व्यूज़ आता है बहुत ही बढ़िया आएगा। बट अभी फ़िलहाल आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी फ़िलहाल तो रात है, सुबह आपको व्यू दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे। और अब चलते हैं मेरे बेड की तरफ। सो ये है डॉर्मेट्री जिसमें 5 बेड लगे हुए हैं, एंड ये वाला जो है मेरा काफ़ी नीट एंड क्लीन है,
सब चीज़ पास में, यहाँ पे सॉकेट वगैरह है, लाइट है, एवरीथिंग। यहाँ पे लॉकर का ऑप्शन भी है, एंड सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, जो कि बहुत ही काम की चीज़ है। एंड ये है वाशरूम, और ये घूम रहा है फालतू में इधर उधर, कुछ काम नहीं उसको। सो ये था पूरा टूर जहाँ फ़िलहाल मैं रुका हूँ। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो पता है क्या करना है। सो एक लाइक एक सब्सक्राइब, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप जाके पहले की वीडियोस जरूर चेकआउट करें इस एपिसोड की, विंटर राइड की। गुड बाय एंड गुड बाय फ्रॉम बिरबिलिंग।